इस वीडियो में हम सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि आईसीएसई का बायोलॉजी का चैप्टर है क्लास 10th का जो कि सिर्फ रिवीजन के लिए दिया है उसको हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से। हाँ तो शुरू करते हैं, मैं आपको रीडिंग करके बताऊंगा और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूंगा। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग अवर सेल्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक सेल्स। दीज सेल्स परफॉर्म एक्टिविटीज विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल टास्क ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज ऑल्सो टू नोट दैट एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। द सेम सेल अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू गिव राइज टू अ लार्ज मास ऑफ सेल्स। फर्दर द सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर वेरियस टास्क सच एज दोज ऑफ गिविंग सपोर्ट, प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब हमको मिलाकर, जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल्स से मिलकर बने हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं। जो भी टास्क हम करते हैं वो एक्चुअली अब एक रिजल्ट है किसका, जो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी सेल्स करते हैं ना उन सब की कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज को मिला के हम जो टेस्ट करते हैं वो उनका रिजल्ट है। ठीक है, एक और चीज़ नोट करने की है कि हर ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं जो कि लिविंग हैं उन्हें ही ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उन सब की लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। हो सकता है कि वो पूरी लाइफ सिंगल सेल की तरह बिताए जो कि यूनिसेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर वो डिवाइड करके क्या बन जाए, एक से ज्यादा डिवाइड करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाए। ओके हाँ, तो ये था बहुत सारे सेल्स में रिपीटेड डिवीजन से लार्ज मास ऑफ सेल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे ही ये डिवीजन होता है तो कुछ सेल्स हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, वो डिफरेंट ऑर्गन्स बन जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, उनके स्पेसिफिक काम हो जाते हैं जैसे कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेशल ऑर्गेनेल्स वगैरह बन जाते हैं, स्पेशल पार्ट्स बन जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए बन जाते हैं, डाइजेस्टिव ज्यूसेस के लिए बन जाते हैं, कुछ सपोर्ट देने के लिए बन जाते हैं अलग अलग पार्ट्स जैसे कि हड्डियाँ, पेप्सिन वगैरह, स्टोमेटा, ये सब चीज़ें बन जाते हैं। 1.1 सेल्स अ बेसिक स्टडी इन बायोलॉजी। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट सेल्स इन सम डिटेल इन क्लास 9। हाउएवर इट इज़ नेसेसरी टू रिफ्रेश योर नॉलेज फॉर अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी विच स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट द क्लास 10 सिलेबस ऑफ सम ऑफ द मेन पॉइंट्स अबाउट सेल्स आर एज फॉलोज। जो सेल्स हैं वो एक बेसिक स्टडी है बायोलॉजी में, हमने इसके बारे में पहले से ही कुछ डिटेल में क्लास 9 में पढ़ा है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम अपनी नॉलेज को रिफ्रेश करें इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है बायोलॉजी के क्लास 10 सिलेबस के लिए जो उसको पूरे को कॉन्स्टिट्यूट ही करती है, क्योंकि सेल्स बेसिक यूनिट होती हैं लाइफ की, इसीलिए। ओके कंटिन्यू करते हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक मेन पॉइंट दिए हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, इनको और जल्दी से मैं आपको सुनाता हूँ। ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ऑल लिविंग बींग डेवलप्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से मिलकर बने हैं क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, इसीलिए सारे ऑर्गेनिज्म उससे मिलकर बने हुए हैं। ये दोनों पॉइंट्स इसको आप देख सकते हैं, ये इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे मिले जुले हैं। और जितने भी सेल्स हैं वो पुराने सेल से आते हैं, जैसे कि पेरेंट्स से न्यू ऑफस्प्रिंग आती है, न्यू जनरेशन आती है, वैसे जितने भी सेल्स हैं न्यू सेल्स वो पुराने सेल से ही आते हैं, डिवीजन के थ्रू, सेल डिवीजन के थ्रू आते हैं पुराने सेल से न्यू सेल्स, और इवेंचुअली वो न्यू सेल न्यू ऑर्गेनिजम्स को गिव राइज करते हैं, यानी कि पुराने ऑर्गेनिजम से न्यू ऑर्गेनिजम आते हैं, पुराने सेल से न्यू सेल्स आते हैं। ओके सेल्स हाउ न्यूमरस। लार्जर एन ऑर्गेनिज्म ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल्स इन इट्स बॉडी। जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतने ही ज़्यादा सेल होंगे उसकी बॉडी में। सिंगल सेल मैनी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो केवल एक ही सेल से मिलकर बने हैं, जैसे कि एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ईस्ट एंड अमीबा। बैक्टीरिया, ईस्ट एंड अमीबा ये सब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया बैक्टीरिया होता है, ईस्ट एक फंजाय है जो कि यूनिसेलुलर एक लौता है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका शेप नहीं होता है कोई भी, स्यूडोपोडिया की मदद से वो अपना शिकार करता है या फिर न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। फ्यू सेल्ड सम वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ जस्ट अ फ्यू हंड्रेड और अ फ्यू थाउजेंड सेल्स। कुछ बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ हंड्रेड और कुछ थाउजेंड सेल्स से ही मिलकर बने होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें स्पायरोगेरा एंड वोलपॉक्स। ओके मल्टी सेल
और मल्टी सेल भी होते हैं ऑर्गेनिज्म। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स वी सी अराउंड आर मेड अप ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जिनको हम अपने आसपास देखते हैं वो मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ह्यूमन, मैंगो, डॉग, कैट, एलिफेंट, जिराफ, बनियान ट्री, ये सब बिलियन बिलियन सेल्स से मिलकर बने हैं। 1.3 सेल्स, हाउ स्मॉल? सेल्स आर वेरी स्मॉल एंड कैन बी सीन ओनली विद अ माइक्रोस्कोप। सेल्स बहुत छोटे होते हैं और हम उनको सिर्फ एक माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। स्मॉलेस्ट सेल्स आर सर्टेन बैक्टीरिया, रेड ब्लड सेल्स। सबसे छोटे सेल जो हैं वो कुछ बैक्टीरिया और रेड ब्लड सेल्स हैं। ह्यूमन बॉडी के रेड ब्लड सेल्स। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल्स होते हैं, मतलब सबसे लंबे सेल्स होते हैं नर्व सेल्स। लार्जेस्ट सेल्स आर द बर्ड्स एग्स, एक्चुअली द सेंट्रल येलो स्पेयर। सबसे बड़े जो सेल्स होते हैं वो बर्ड्स के एग्स होते हैं। एक्चुअली में जो सेंट्रल येलो पार्ट होता है वो होता है सेल, उसके जो बाहर का जो वाइट पार्ट होता है उसकी जो कवरिंग, और उसके बाद जो शेल होता है वो सब एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं। जो वाइट पार्ट होता है वो उसके नरिशमेंट के लिए, जब वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक से पास करता है एग तब उसमें ऐड हो जाता है जिससे कि वो अपना नरिशमेंट ले सके अपने डेवलपमेंट के लिए। और वो जो शेल होता है वो उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग के लिए होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। सबसे बड़ा एग है ऑस्ट्रिच का एग, बिफोर डेवलपमेंट बिगिंस इन, उसमें डेवलपमेंट शुरू होता है उससे पहले, वो इस लिविंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेल है। द वाइट एल्बुमेन ऑफ द एग एंड द एग शेल आर एक्स्ट्रा पार्ट एडेड टू द एक्चुअल एग एज इट पासेस डाउन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, हाँ जो कि मैंने आपको भी बताया था। एन एवरेज साइज एडल्ट ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 1000 million million सेल्स इन द बॉडी। मतलब एक एवरेज ह्यूमन एडल्ट है वो 1000 million million सेल्स कॉन्स्टिट्यूट करता है उसकी होल बॉडी में, और उसमें से 10,000 million नर्व सेल्स होते हैं उसके ब्रेन कॉर्टेक्स के। 25 million million रेड ब्लड सेल्स होते हैं, 25 million के भी मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और 30,000 million वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, 30,000 million वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ओके, सेल शेप्स। 1.4 सेल शेप्स, डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल आर ऑफ्टन रिलेटेड टू डिफरेंट फंक्शन दे परफॉर्म। सेल्स की जो डिफरेंट शेप होते हैं वो उससे रिलेटेड होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर एंड बायकॉनकेव फॉर ईजी पैसेज थ्रू ब्लड कैपिलरीज एंड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। जो ह्यूमन के रेड ब्लड सेल होते हैं वो सर्कुलर मतलब गोल आकार के होते हैं, और बायकॉनकेव होते हैं मतलब दोनों साइड से गोल गोल होते हैं, एक सिक्के की तरह होते हैं शेप में वो, जिससे कि वो इजीली पास हो सकें ब्लड कैपिलरीज से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वाइट ब्लड सेल्स आर एमोइबॉइड, एमोइबा लाइक मूवमेंट विद स्यूडोपोडिया। मतलब उनका वाइट ब्लड सेल्स का शेप भी इरेगुलर होता है, उनके पास भी स्यूडोपोडिया होती है अमोइबा की तरह, इसीलिए उन्हें एमोइबॉइड भी कहते हैं उनके शेप को। वो भी स्क्वीज कर सकते हैं कैपिलरी वॉल से, इसका मतलब वो कैपिलरी वॉल से बाहर जा सकते हैं और अंदर आ सकते हैं जो जम्स वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए। नर्व सेल्स आर लॉन्ग टू कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड वाइस वर्सा। जो नर्व सेल्स होते हैं वो बड़े इसीलिए हैं जिससे कि वो इम्पल्स को ट्रांसफर कर सकें जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट होते हैं उनसे ब्रेन तक और ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स तक। ओके, गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटल पोर इन लीव्स आर बीन शेप टू ओपन एंड क्लोज इट। जो गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटा पोर के जो लीव्स में वो बीन शेप इसीलिए होते हैं जिससे कि वो स्टोमेटल पोर को आसानी से ओपन कर सकें और उसको क्लोज कर सकें। ये रहा एक स्ट्रक्चर एनिमल सेल और प्लांट सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हैं आप इसमें पार्ट्स, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, मैं आपको जल्दी से बोल के बता देता हूँ। एनिमल लाइन सबसे पहले एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद उसमें होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, सेंट्रियोल्स, लाइजोसोम, वेसिकल, कुछ सेल्स में पाया जाता है वेसिकल। उसके बाद उसमें होता है रज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो पार्ट पाया जाता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो पार्ट पाया जाता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए स्टोर होता है। वैसे वो क्रोमैटिन में होते हैं, जब उनका सेल डिवीजन होता है तब वो क्रोमोसोम्स का रूप ले लेते हैं जिससे कि वो डिवाइड कर सकें, जिससे कि वो अपने डीएनए की कॉपी बना सकें क्रोमोसोम्स के रूप में, वैसे वो क्रोमैटिन के रूप में रहते हैं। ओके, अब जल्दी से हम प्लांट सेल को भी देख लेते हैं। प्लांट सेल में सबसे पहले सेल वॉल होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर होता है रज एंडो
रज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस साइटोप्लाज्म होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और प्लेस्टिड्स एक्स्ट्रा होते हैं, क्लोरोप्लास्ट एक प्लेस्टिड ही है बेसिकली, ये चीज़ें उसके पास एक्स्ट्रा होती हैं, और एक वैक्यूल जो होता है उसके अंदर वो बड़ा होता है वैक्यूल, और वेसिकल्स भी होते हैं इसके अंदर। हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के दोनों के एक जनरलाइज डायग्राम देख लिए हैं। अब हम ये पढ़ेंगे ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, द थ्री इसेंशियल पार्ट, जो तीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट हैं सेल के स्ट्रक्चर के। ओके, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर सब पढ़ लेंगे हम। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सर्कल्स द सेल, इट इज़ अ लिविंग मेम्ब्रेन हैविंग फाइन पोर्स। जो सेल मेम्ब्रेन है वो कवर करती है सेल को, वो एक जिंदा मेम्ब्रेन है जिसके पास पोर्स होते हैं। इट इज़ अ सेमी परमिएबल, ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल, मीनिंग दैट इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू वाइल प्रिवेंटिंग अदर। इसको लिविंग इसीलिए कहा जाता है, और इसको सेमी परमिएबल सेलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है क्योंकि जो होते हैं चीज़ें उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकती है, और कुछ ही चीज़ों को अंदर जाने देती है जो सेल के लिए ज़रूरी हैं और बाकियों को नहीं जाने देती। जो प्लांट सेल होता है उसके पास एक एडिशनल आउटर मोस्ट नॉन लिविंग लेयर होती है जिसे कहते हैं सेल वॉल, जो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है। जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इन प्लांट सेल टू द 1.1 एन एडिशनल आउटर मोस्ट नॉन लिविंग लेयर द सेल वॉल सराउंड द सेल मेम्ब्रेन, द सेल वॉल इज मोस्टली मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, वो सेल को शेप और रिजिडिटी देती है। इट इज फ्रीली परमिएबल अलाउइंग सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन टू इंटर एंड लीव द सेल विदाउट हिंडेंस, वो फ्रीली परमिएबल है, वो सारे सब्सटेंसेस को अंदर आने के लिए अलाउ करती है और बाहर जाने के लिए रास्ता भी देती है, बाहर भी जाने देती है और अंदर भी आने देती है। अब सेकेंड पार्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ द सेल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। मैंने आपको ये बताया था साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर का पार्ट है, जो भी लिक्विड पार्ट होता है। इट इज़ अ सेमी लिक्विड सब्सटेंस, सेमी लिक्विड सब्सटेंस है क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे कैटलिस्ट एंजाइम्स वगैरह होते हैं, इसलिए उसको सेमी लिक्विड कहते हैं, लिक्विड नहीं कह सकते उसको ओनली। मैनी केमिकल रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स अकर इन इट, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें जो एंजाइम्स के द्वारा करवाए जाते हैं, एंजाइम्स के प्रेजेंस में होते हैं। उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, हर ऑर्गेनेल का स्पेसिफिक फंक्शन है। द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म अदर देन ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा इज कॉल्ड साइटोसोल विच कॉन्स्टिट्यूट मेनली द लिक्विड मीडियम। जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है ऑर्गेनेल्स को अगर हम उसमें से हटा दें साइटोप्लाज्म में से सारे को, तो जो पार्ट बचेगा लिक्विड पार्ट जो मेनली बचेगा उसे हम कहते हैं साइटोसोल, लिक्विड मीडियम को, उसको सेल ऑर्गेनेल्स को हटाने के बाद सेल में से साइटोप्लाज्म में से सेल के। न्यूक्लियस थर्ड पार्ट, न्यूक्लियस इज अ लार्ज सम वॉट स्पेरिकल बॉडी लाइंग नियरली इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस एक स्पेरिकल शेप का होता है जो साइटोप्लाज्म के सेंटर में होता है। इट इज सराउंडेड बाय डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद न्यूक्लियर पोर्स। फिगर 1.2 में आप देख सकते हैं ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंड किया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको कवर करती है जिसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, उसके बीच में एक पार्ट होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमेटिन फाइबर होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ओके, द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस इज अ सेमी सॉलिड सब्सटेंस न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेनिंग वन और मोर राउंड शेप न्यूक्लियोली सिंगल न्यूक्लियस। द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन अ नेटवर्क ऑफ डार्क कलर्ड फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर, दीज क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस इनटू शॉर्ट थिक क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मैं आपको ये बता चुका हूँ पहले ही, मैंने आपको बता दिया था, इसमें आप देख सकते हो उसी डायग्राम में बताया गया है कि कैसे वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमेटिन फाइबर सेल डिवीजन के दौरान, जिसमें एक अर्ली स्टेज सेल डिवीजन की। हाँ, तो ये पार्ट आपका ख़त्म हो चुका है। मैं आपको ये वाली 1.6 और जल्दी से पढ़ के बता देता हूँ। फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल द ऑर्गेनल्स द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल विच कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस एंड अदर लिविंग बॉडीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म। द लेटर टर्म प्रोटोप्लास्ट इज मोर अप्रोप्रिएटली यूज फॉर अ प्लांट सेल आफ्टर द रिमूवल ऑफ द सेल वॉल। द लिविंग बॉडीज विच आर ऑलमोस्ट द सेम इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल एक्सेप्ट सेल वॉल इन प्लांट एंड सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल्स इन एनिमल कॉल्ड ऑर्गेनल्स। मैंने आपको जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उसके बारे में मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में 3D वाले में बता के रखा है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं, और सारे सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर एक एक स्पेसिफिक वीडियोस भी आ रही हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसके आगे के को।
तो उसके लिए आप चैनल पर बने रह सकते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।